मित्रों, टाइम हो गया है, बस स्टार्ट करने का टाइम हो गया भाई लोग। एक 30 मिनट और रुकते हैं भाई लोग। 30 मिनट, 30 मिनट बोलो, सॉरी 30 सेकंड रुकते हैं बस, फिर स्टार्ट करते हैं यार। स्लॉट, दो स्लॉट पूरे खाली हैं भाई लोगों। स्लॉट्स तो बुक थे यार, काफ़ी बंदों को हमने मना किया कि स्लॉट्स फुल हो गए हैं, ऐसे मत करो यार, पूरी की पूरी टीम बैकआउट करना है। तो भाई एक बार बता दो ग्रुप में, ठीक है, 3 स्लॉट्स है एक्चुअली, तो ठीक है, लेट्स गो गाइस, गुड लक एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू धर्मशाला गेमिंग, एंड फिर से वही हमारा रोज वाला रेंगल, और के रहे यमराज भागते हुए सारा करेक्टर के साथ। और एक बार देख लें कितने बंदे हैं, 79 पीपल इन द हाउस गाइज, और फिर भी काफ़ी अच्छे कंपटीशन है क्योंकि काफ़ी अच्छे स्कोर्स अभी भी हैं हमारे पास, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे, बहुत ही तगड़े तगड़े प्लेयर है भाई। जेड़ा जीत गया तीसरे बॉर्डर पर भेजना सीधे ही, बाघा बॉर्डर पर खरीदना, जो बदिया बदिया गोलियां चलाता ना, तीसरे भेजना सीधे ऊपर ही। और इसी के साथ हमारा प्लेन कर चुका है टेक ऑफ, और प्लेन टेक ऑफ किया है मेंशन के ऊपर से, लिपोप का हॉट ड्रॉप है, यहाँ पे लोग उतरेंगे, मिल्टा पावर जाएंगे, मिलिट्री बेस नोबो पोचिंग की, और बाकी कैंपर्स तो जाएंगे दूर दूर। बुरा मत मानना भाई, कैंपर्स भी तो स्ट्रेटेजी के तहत ही खेलते हैं भाई, तो इट्स नॉट कि मैं किसी को बुरा बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखना पड़ेगा, नंबर 12 हमारी नेपाली टीम है, और उन्होंने शायद जंप किया है सबसे पहले। जी हाँ, नेपाली जा रहे कामेश की। ओके 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 ओके, और एक बार जल्दी से हम जरा देख लें टीम्स का क्या यहाँ पे है। किन्नारीस हमारे K9 के किन्नारीस, ओके दे आर गोइंग रजोक, एंड यहाँ पे नंबर 3 टीम हमारी बैटल गॉड्स, एंड दे आर हेडिंग टू नोवो। नंबर 4 पे भी हमारे पास बैटल गॉड्स हैं, जिनका अभी ही जिन्होंने अभी ही जंप किया, और लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, दो टीम्स एक साथ जा रही हैं, बाबा और बैटल गॉड्स। बैटल गॉड्स हमेशा दूर जाते हैं, और बाबा और बैटल गॉड्स ही मेरे को लगता है यहाँ पे फाइट देखने को मिल सकती है मुझे। और W4YT, ओके इट्स अ न्यू टीम आई बिलीव, एंड मिल्टा में देखना पड़ेगा यहाँ पे, W4YT, हाँ वेट फॉर योर टर्न, ओके ओके आई गॉट इट, वेट फॉर योर टर्न बोला था भाई ने, इसका नाम है इनके स्क्वाड का, वेट फॉर। यहाँ पे देख सकते हैं तो शशांक ने नीरज को कर दिया है गाड़ी से नॉक, और दो बंदे गाड़ी से कर दिए हैं नॉक, और करेंगे फिनिश यहाँ पे। तो कह के एक टीम एवेंजर्स है और गाड़ी से कर रहे हैं किल, देखिए आपके सामने ही भाई साहब, ये तो गलत है यार, ऐसे थोड़ी करते हैं भाई। वहाँ पे नाथ संजू ने भी कहीं पे तबाही कर दी है भाई, और वहाँ पे एक टीम खत्म भी हो गई है भाई, और मैं थोड़ा दिखा नहीं पाया, सॉरी गाइस, लेकिन देखने वाले मेरे को यहाँ पे नाथ संजू नॉक हो चुके हैं, और इसी के साथ नाथ संजू टीम नाथ भी खत्म कर दी भाई यहाँ पे। और जिन्होंने खत्म किए हैं वो हैं हमारे द वन एंड ओनली टीम एक्सो, तो शाउट आउट टू टीम एक्सो, यूटिलिटी ओपी बोलते, और
बिल्कुल बोलते भाई, बिल्कुल बोलते हैं। 3 किल निकाल लिए हैं यहाँ पे एक्सो ने। और एक बार जल्दी से एक बार नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पे देखें तो अघोरी टीम हमारी कहाँ पे है। तो अघोरी जा रहे हैं गटका साइड, और ओके गटका साइड जा रहे हैं ये लोग। हमारी बावा टीम पानी में तैरती हुई और बावा के साथ बैटल गॉड्स बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत ही एक दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे गलत हो गया सीन इनके साथ, बहुत ही गलत हो गया है। यहाँ पे सिर्फ बचना भी मुश्किल है ऐसे, क्योंकि बहुत ही दूर आपको स्विम करना है और बैटल गॉड्स के पास गन भी है। तो कब तक बचोगे ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें आया है खरवाल जी। हेलो भाई सुरेंद्र खरल, हेलो हेलो हेलो, तेरा पड़ा बल्ला था किंदर। पर यहाँ पे देखा जाओ तो यहाँ पे मुश्किल है बाबा का बचना, क्योंकि बैटल गॉड्स के बंदों एक नॉक किया उन्होंने। और ये है हमारी टीम मिथ, जो कि कल तक थे दूजे बाबा, आज ये मिथ बन गए हैं। दूजे बाबा नहीं बनते, ये फिर से वही आए जहाँ पे आना चाहिए था इनको। और इनके राइट में स्कूल में, या बिल्कुल स्कूल में है इनकी WNG WGL। और यहाँ पे 1 किलो इन्होंने निकाला हुआ है, और राइट में इनकी भी एक टीम है, एक बंदा है वही है उनकी टीम का जो बचा हुआ है, एक ही खिलाड़ी है। पीछे से गोली पड़ सकती है आपको भाई, और मैंने जैसे कहा था पीछे से गोली पड़ सकती है आपको, और वैसे ही पड़ी है। तो यहाँ पे बेबी का बाबू पूरी नज़र बनाए हुए है, और ऊपर से देखना पड़ेगा मेरे को कितना दूर है, काफ़ी दूर है, लेकिन लेकिन किनारिस दे गोइंग समवेयर एल्स। लेकिन अग्रिम को आपको यहाँ पे रिवाइव देना पड़ेगा गाइस, क्योंकि आपकी पूरी स्क्वाड अभी है, तो बनता है एक ही बंदे पे रिस्क बनता है। लेकिन धीरे धीरे ब्लीड हो रहा है अग्रिम, और बाबू की सोना और शशांक आ रहे हैं। बाबू की सोना जा रही है उसको बचाने, बेबी का बाबू। और यहाँ पे मैं ज़रा क्लोज चलूँ तो रिवाइव हो जाएंगे। और नो मर्सी, HMEX नो मर्सी से हुई है लड़ाई। और यहाँ पे देख सकते हैं सामने आपके, और ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया है टीम एवेंजर्स ने। और इसी के साथ एक और किल इनका, 2 किल इनके हो चुके हैं। और देखना पड़ेगा अगर बाबा और निमूषा कहाँ पे हैं, इनकी अभी लोकेशन तो काफ़ी इन्होंने बचाव कर लिया है भाई, निकल गए हैं। और मेरी दुआ है बाबा टीम से कि प्लीज़ यार थोड़ी गन वन लेके थोड़ा मेरे को गेम प्ले दिखाना ज़रूर। और इनको हमने एक बार देख लिया यहाँ पे, एक बार देखे तो हमारे SK बाबा के 3 किल हैं भाई, 19 टीम के 3 किल हैं। और वहाँ पे 4 MB ओपन द चैट, 4 MB को जाना पड़ेगा मेरे को, थम गोर को जाना पड़ेगा। और थम गोर किससे लड़ रहे हैं भाई, वर्मा साहब को गया है जायरो गोर लवी टू, और देख सकते हैं आप पूरा रश मारा हुआ है इन्होंने भाई। वर्मा साहब पे भाग रहे हैं, वर्मा साहब पे भाग रहे हैं। और ये देखो बिल्कुल ढूंढ निकाला है भाई, बिल्कुल ढूंढ ना निकाला है। और अब अनुराग और वर्मा साहब यहाँ पे बचते हैं, और मारा है नेड। एक बार चलते हैं ऊपर, ये वाली बैटल हम आपको ऐसे दिखाएंगे कुछ ऐसे इस विंडो से। और अतुल है नोक, अतुल को रिवाइव मिलना मुश्किल है क्योंकि भाई पूरी टीम चढ़ी है ऊपर। यहाँ पे किया है नोक अनुराग को, और इसी के साथ 4 MB ने किया है पूरी टीम को खत्म। माय मिस्टेक, वर्मा साहब अभी भी बैठे हुए हैं, और थम गोड ऊपर चढ़ गए हैं और यार नीचे कूद गए भाई वर्मा साहब का बच्चा। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल वर्मा साहब ने किया, और इसी के साथ ख़त्म हो चुकी है हमारी टीम। और यहाँ पे 4 MB का बढ़िया, यहाँ पे 4 किल निकाले हैं इन्होंने, और थम गोड के हैं 3 किल। थम गोड आज बताएगा मेरे को बाद में, बोलेगा भैया देखा आपने सीन। और इसी के साथ जस्सू को भाई एक बार हम देख लें, तो जस्सू हमारे हैं सेवन्नी की तरफ, और सेवन्नी की तरफ नहीं, सॉरी यार
मिलिट्री बेस में है, तो कोई किल नहीं है और सिर्फ अभी लूट रहे हैं। और हमारी टीम एक्सो काफी दूर, आज एक्सो एक्सो काफी दूर है। तीन किल एक्सो के, और एज यूजल अच्छा गेम प्ले हमेशा देखने को मिलता है इनसे, और होप करेंगे आज भी लास्ट जोन में यही हमें कुछ बढ़िया गेम प्ले दिखाएंगे। और पीयूष शिकारी नंबर 10 टीम में, डार्क सैम, स्नेक आई और WGL का हमारा रोनर के पास। यहाँ पे एक हमारी बाबा की टीम थी, इनकी लड़ाई हो सकती थी जैसा कि मैंने पहले देखा था। देखो मैं ज़रा लोकेशन चेक कर लूँ तो हाँ बिल्कुल वहाँ से शॉट पड़ते हुए, लेकिन वहाँ पे एक अच्छी अच्छी लड़ाई वहाँ पे मेरे को देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे यमराज नोक हो चुके हैं लेकिन इनका नेपाली से इनकी लड़ाई हो चुकी है गाइस। तो यहाँ पे और ये देखिए भाई, और बचाने आए हैं अपने बंदे को, लेकिन 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 भाई साहब स्लेयर का यहाँ पे बढ़िया चलाई गन, और क्लचर भी, क्लचर ही बचे हैं, क्लचर को अकेले ही क्लचर फिनिश किया है वहाँ पे, और पूरी टीम खत्म, पूरी टीम खत्म। इसी के साथ किनारीज को किया है खत्म यहाँ पे नेपालियों ने। सो वेल प्लेड गाइस, एंड कोई भी बंदा मरा भी नहीं है, जो मरे थे वो रिवाइव हो गए, तो फिर से एक होप लेके चलेंगे अभी नेपाली। और देखे तो यहाँ पे बैटल गॉड्स हमारी जैसा एज यूजल जोन खाने के लिए रेडी है, जोन का डैमेज खाने के लिए रेडी है, तो भागेंगे। लेकिन कोबरा तो कुछ और ही सोच गए हैं, कोई कोबरा पे देखें तो कोबरा क्या चाहते हैं, कोबरा भी घूमना चाहते हैं, तो कोबरा को छोड़ेंगे और एक बार जल्दी से जाएंगे हमारी टीम तबाही पे। रोहन ने कर दिया है टैंकर को नॉक, तो रोहन को एक बार मैं देख लूंगी कहाँ पे उसने नॉक किया है टैंकर को। और यहाँ पे सामने ही बिल्कुल बिल्कुल पीक करके हैं खड़े हुए हैं, और लेकिन इतना दूर हैं तो टैंकर तो बच जाएंगे, टैंकर का बचना तो आसान है। और शॉट्स भी पड़ते हुए वहाँ, एक बार बाबा यागा को देख लूँ मैं अपने, बाबा यागा हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और वहाँ पे हरिदेश गुलेरिया भी नोक हो चुके हैं भाई, बैटल गॉड्स की ही टीम है हरिदेश गुलेरिया। और जोन में भी डैमेज खाएंगे, तो गाइज निकलना पड़ेगा आपको जल्दी यहाँ से रिवाइव होके, लेकिन इनको मार कहाँ से पड़ी है मेरे को ये भी देखना है। दिनेश ने इनको नोक किया था लेकिन बंदे यहाँ पे हैं नहीं, तो शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन ठीक है। और एक बार देख लूँ मैं तो MF के शहनशाह, और ये बिल्कुल अपनी लूट में बिजी हैं, बिल्कुल जोधपुर सिटी ही जाते हैं, इनका होम है। और विष्णु भी अभी कोई किल नहीं, कोई अभी तमाशा नहीं, लेकिन बाबा को एक बार मैं देखूँ तो बाबा को एक कैम मिल चुकी है। जोन में भी हैं, जोन में भी जाना पड़ेगा इनको और लड़ना भी पड़ेगा। और देखूँ तो ब्रिज यहाँ पे कैंप तो नहीं है इनके लिए, बट फिर भी बैटल गोट वहाँ से धीरे धीरे आ सकती है अंदर, तो गाइस देखना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा आपको। हमारे SK बाबा के 3 किल के साथ SK बाबा प्रिजन में पहुँच चुके हैं, तो कोई टीम आसपास नहीं है गाइस, तो अभी तक तो बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पे। और वहाँ पे स्पाई ओपी, वहाँ पे स्पाई ओपी नोक हो चुके हैं भाई, टीम कह के लेंगे कि स्पाई ओपी नोक हो चुके हैं, और आर्यन भी नोक हो चुका है हमारा लोंडा। तो अभी तो लगता है भाई प्रशासन, प्रशासन की नज़र तो देखनी पड़ेगी, प्रशासन की क्या सीन क्या है। और सॉल्स कर लिया, XD फ्लेम को कर दिया खत्म। तो जैसे आप देखें
तो ये हो गया है सीन गलत। यहाँ पे आ गई है टीम एवेंजर्स, लेकिन इन्होंने जो काम किया है कह के लेंगे ने, उनको दाद देने पड़ेगी। लेकिन थर्ड पार्टी के शिकार हुए, लेकिन इन्होंने जिसको मारा है वो है टीम एक्सो, जो ये हमारे सबसे, यहाँ पे मैं मानता हूँ अपने, अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ आपको तो सबसे पावरफुल टीम मानता हूँ मैं टीम एक्सो को। आई रेट देम हाई एंड एट द टॉप, बट यहाँ पे किया है इन्होंने अभी अपना थर्ड पार्टी का टीम क्या है के लेके ने। और वहाँ पे जस्सू हमारे नॉक हो चुके हैं भाई, जस्सू भी यहाँ पे घुटनों पे आ गए हैं, और घुटनों पे आने का मतलब है कि कभी भी मर सकते हो, आपको अभी एक गोली पड़ेगी तो आप अभी ख़त्म हो जाओगे। जस्सू भाई बोलिए अपने दोस्त सिंह ने किया है यहाँ पे किल कंफर्म, पीयूष शिकारी को किया है खत्म। और भाई ऐसे लूट करोगे तो मरोगे यार, ऐसे बैठ जाओगे लूट करने, भाई अपने बंदे को बचा लेते हैं सबसे तो बढ़िया। लेकिन मेरे उधर में नमन के पास और पड़ा है, और यहाँ पे एक साथ ही इन्होंने गोश्त पी के ही बचे हैं भाई। लेकिन जस्सू को रिवाइव मिल गया है भाई, जस्सू रिवाइव करो बिजनेस, बस जस्सू को देखने पड़ेगा क्योंकि रश तो यहाँ पे होगा। लेकिन धीरे धीरे बंदे आ रहे हैं भाई, खत्म भी करेंगे, खत्म भी किया है। और स्नेक आई घुस गए हैं भाई, घुस गए, ऐसे नहीं घुसने था भाई, ऐसे नहीं घुसने का था ब्रो। लेकिन जस्सू की टीम ने निकाल ली है 4 किलो और गोस्ट पीके के 3 किलो। जस्सू की किस्मत अच्छी, जस्सू अभी तक जिंदा है तो अच्छा है भाई, खेलिए और कुछ कीजिए। लेकिन यहाँ पे काफ़ी देर से यहाँ पे दो टीम्स मैं देख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ खास चल नहीं रहा है इनका। कैंपर्स हैं ये, इनको कैंपर्स ही बोलूँगा मैं, क्योंकि ये आए ही इसीलिए यहाँ पे हैं, क्योंकि कैंप ही करेंगे और कुछ और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बोल सकते भाई। तो अभी भाग रहे हैं, शायद जोन में भागेंगे, और कोई टीम किल नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार मैं देख लूँ तो बाबा टीम को, एक बार मैं देखूँ यहाँ पे बाबा का थोड़ा लक थोड़ा साथ नहीं दिया, और लक के साथ इनको खुद भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि डिसीजन इनका ही था इतना दूर जाने का। और लेकिन फिर भी स्टिल दे आर अलाइव एंड स्टिल वी कैन होप फॉर द बेस्ट। पक्का मिलेंगे आपको, बैटल गॉड्स मिलेंगे ब्रिज पे, बैटल गॉड्स आपको ब्रिज पे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। कहाँ हैं बैटल गॉड्स? जी हाँ, यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास है। लेकिन कोबरा का कुछ अलग ही मूड है, कोबरा का एक किल भी है जो उन्होंने बाबा रोहित को ख़त्म किया था। लेकिन कोबरा भाई आप क्या चाहते हो, आप तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। लेकिन देखना पड़ेगा गाइस यहाँ पे, क्योंकि लेकिन हाँ ये लोग भी अब जोन में निकलेंगे तो ठीक है। गुड फॉर बाबा। ओ नो 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 नो, यहाँ पे लड़ाई लेंगे कि नहीं लेंगे बस देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बाबा ने मुझे ख़त्म किया, बाबा साइल भी नॉक हो जाएंगे बिल्कुल पाइथन ने। यहाँ पे आपको रुकना ही नहीं था गाइस, यहाँ पे आपको रुकना ही नहीं था। अभी देखना पड़ेगा मेरे को, सिर्फ बाबा जॉन भी ही रहेंगे जो अकेले बचे रहेंगे। और यहाँ पर ऑनली मीका को कन्फर्म किया है पाइथन ने। तो जब आपके पास गाड़ी थी और तो आपने वो वाला ब्रिज क्यों चूज़ किया, और वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे गाइस, क्योंकि सबका अपना अपना यहाँ पे डिसीजन होता है। तो ठीक है भाई, जो बच गया है बच गया है, जो मर गया है सो मर गया है। तो एक बार फिर से मैं एक बार लोकेशंस देख लूँ, पोजीशन देख लूँ, तो बैटल गॉड्स इज़ फार अवे, बैटल कोबरा इज़ फार अवे देन द जोन। बट हाँ, इसी के साथ देखूँ तो एक बार फिर से नज़र बंद, तो बाबा यागा हमारी टीम मिथ का भी 0 किल, और बाबू की सोना का भी 1 किल है, और 4 किल इनके टीम एवेंजर्स के। तो वेल प्लेड गाइस। और यहाँ पे कुछ इमोट्स चल रहे हैं एक दूसरे को, जो कि हम अभी छोड़ देंगे और हम जाएंगे अपने एसके बाबा के पास। एसके बाबा बिल्कुल कैंप करके अभी अपने आराम से लेटे हुए हैं और देख रहे हैं। वहाँ पे जस्सू ने कर दिया है नॉक डेथ प्राइम को, डेथ प्राइम को जस्सू ने नॉक किया है, जो कि एक बैटल गॉड्स की टीम है। और यहाँ पे फेंका है मोली जस्सू ने, और यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि
वो दूसरी टीम भी बहुत अच्छी, बैटल गॉड्स की टीम भी बहुत अच्छी है, फिर 3v2 मेरे को देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइज अगर आप देख नोक के तो आपको थोड़ा रश कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। वो की टीम धीरे धीरे आ रही है भाई अपार्टमेंट्स की तरफ से। लेकिन वो लोग निकल गए हैं तो अभी जो तमाशा है वो यहीं पे है, बैटल गॉड्स वर्सेस टीम ओल्ड स्कूल। और एयर ड्रॉप जो है वो एम्प्टी है। लेकिन फाइट लेंगे या भागेंगे वो तो अभी पता चल जाएगा मेरे को देख के। बट दिनेश मेरे को लग रहा है राइट से पूरा फ्लैंक कर रहे हैं कि ये कहीं भाग रहे हैं, मेरे को कुछ समझ। लेकिन यहाँ गाड़ी लेके निकलते हुए यहाँ पे बैटल गॉड्स ने यहाँ से निकलना ही अच्छा समझा भाई, फाइट लेने का मन नहीं था इनका और निकल गए यहाँ से। जस्ट सुग्रीव रह गया अकेले। और वहाँ राइट से देखूँ तो 19 नंबर की टीम भी भाई, और इन्होंने कर दिया है ख़त्म एकदम से बैटल गॉड्स के दो सिपाहियों को। तो बस चलते चलते ही रास्ते में मारियां गोलियां, करना बंदे कितने खत्म करना निकलिएगा, क्या बोली सकते। 6 किल भी हुई है करना वहां पे। देखूं मैं अपना थंब गॉड, हमारा नॉक हो चुका है, हमारा भाई नॉक हो चुका है भाई। इसको बचाओ कोई, इसको कौन बचाएगा? मेरे को लगता नहीं इसको कोई बचाएगा क्योंकि लड़ाई हुई है नेपालियों से और नेपाली भी हमेशा डरते नहीं है बिल्कुल रश करने से। और DSC ईगल बिल्कुल इनके राइट में, थम गो रिवाइव तो हो गया लेकिन ऐसे भागोगे तो पड़ेगी गाइस, ये मैंने कहा ही था ऐसे भागोगे तो पड़ेगी। और इसी के साथ जो बचते हैं वो हैं अब जायरो गोट, तो जायरो गोट को ही कुछ संभालना होगा अपनी टीम को। अगर देखिए थम गोट को कर दिया है कन्फर्म, तो अभी 1v4 है यहाँ पे। राइट से हमारी नंबर 19 की टीम भी पहुँच गई है। DSC ईगल को हल्का सा नहीं काफ़ी डैमेज दिया, और यहाँ पे नॉक किया है जायरो गोट ने, नॉक किया है DSC ईगल को। गाड़ी के पीछे हैं, रिवाइव भी मिल जाएगा और जायरो गोट कैसे करेंगे वो देखें बस। और यहाँ पे दो ही बंदे बचते हैं, स्लेयर बचते हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी हुई है इन पे और नेपालियों पे थर्ड पार्टी हुई है। यहाँ देखना पड़ेगा, दो एक ही स्कॉल स्कल ही बचते हैं, स्कल ही रहते हैं वहाँ पे। 19 टीम का भी वहाँ पे थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी का सारा जो मज़ा लिया है वो लिया है 19 टीम के SK बाबा ने, और नूब सुबू और पहाड़ी हैं। लेकिन ये मेरे को यहाँ पे थम गोड जायरो गोड का भी थोड़ा सा रिस्की दिखता है क्योंकि, लेकिन यहाँ पे रिवाइवल मिल रहा है इनको, नेपालियों को रिवाइवल मिल रहा है। एक बार फिर से उठ गए तो फिर से इनके पास मौका होगा यहाँ पे। लेकिन 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 ये क्या हो रहा है भाई साहब, थर्ड पार्टी का फोर्थ और फिफ्थ पार्टी होने के भी यहाँ पे पूरी पूरी, और इसी का एडवांटेज जो मिला है वो मिला है जायरो गोड को। जायरो गोड अपनी पतली गली से निकल गए, खिसक गए यहाँ से, खिसकना पड़ेगा इनको, और खिसकना ही अच्छा है जायरो गोड का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इतनी भसड़प होने वाली है, माफिया आकाश धीरे धीरे प्रोन होकर अपनी पोजीशन में है। राइट लेफ्ट से हमारी बाबा यागा भी यहाँ पे पहुँच गई है, और देखना पड़ेगा मेरे को ओम तबाही भी धीरे धीरे जाते हुए आगे, और लेफ्ट से पूरा फ्लैंक करने की कोशिश है इनकी। लेकिन और ओप्स फंक और OPS फंक, और यहाँ पे बिल्कुल क्लोज से हम आपको दिखाएं तो ये लोग थोड़ा बैकआउट कर रहे हैं, थोड़ा पीछे भाग रहे हैं और शायद भाग ही जाएंगे। लेकिन जायरो गोड को मैं देख, बाबा जॉन विक यहाँ पे मुझे स्क्रीन में कहीं दिखते नजर आ रहे हैं। जो बाबा जॉन विक जा कहाँ रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा मेरे को। बाबा जॉन विक के पास भी अगर हेल्थ लगा ले तो अच्छे किल्स लेने का यहाँ पे एक एक चांस है इनके पास। लेकिन वहाँ पे WL संजू को किया है अघोरी ने नोक, तो अघोरी भी अभी पिक्चर में, अघोरी भाई भी पिक्चर में हमारे। तो वहाँ से वाइपर भी नीचे ही हैं, और वार विष्णु घुस गए हैं बीच में। शहंशाह और वार विष्णु का यहाँ पे मुकाबला भी हम आपको दिखाएंगे, बहुत क्लोज से दिखाएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, वार विष्णु तो इनका ही टीममेट है। लेकिन वहाँ पे रिड्स को किया है नॉक, और जायरो गोड भी यहीं पे पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, और रिड्स को तो कंफर्म भी करेंगे शायद, रिड्स को कंफर्म होना भी इनका बनता भी है।
क्योंकि इनके आसपास कोई है नहीं, तो शहनशाह भी पूरा फ्लैंक करके देंगे और करेंगे ख़त्म। और रेड्स को मैं बहुत ही क्लोज से दिखाना चाहूँगा, ये देखें। और उछल उछल के मारा है, उछल उछल के मारा है, और किया है इन्होंने अपनी M4 के उड़ाए हैं धुएं। तो वहाँ पे अब तो बैटल गोर जोन में नहीं लड़ाई ले सकते, उनको जोन में आना पड़ेगा, जोन से अब डैमेज नहीं खा सकते। बाबा जोन विक भी अकेले हैं यहाँ पे, और बाबा यागा की देखें एक बार तो यहाँ पे किया है नोक टैंकर ने, और बढ़िया किल भी दो चुराए हैं। तो बाबा पॉइजनस जाते हुए यहाँ पे इनके साथ पूरी टीम है और पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन ऐसे जाएंगे तो नीचे आपका वेट कर रहा है तबाही। लेकिन देखना पड़ेगा मेरे को, एक बार हम ज़रा ऊपर से देखें तो नीचे तबाही और हमारी दूसरी टीम बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे एवेंजर्स आ चुकी है, और जोन में सब अपना जोन में जाने की होड़ में लगे हुए हैं। तो अभी अपना अपना जोन जाएंगे और उसके बाद ही देखेंगे। लेकिन एक बार मैं देखूँ तो जायरो गोड, क्या ही किस्मत जायरो गोड लेके आया था, लेकिन बचना यहाँ पे मुश्किल था। लेकिन जायरो गोड ने फिर भी अच्छा गेम प्ले दिखाया था, 1v4 भी कर सकते थे अगर इन केस इन पे थर्ड पार्टी नहीं होता। लेकिन बाबा पॉइजनस हो चुके हैं नॉक जोन के साथ। लेकिन गाइस आपको जोन बाबा यागा भी जोन के गाइस, तो आपको इतना दिस इज़ वेरी कॉमन सेंस, और पर ठीक है। साथ हो गई है ख़त्म हमारी टीम मिथ भी, और बचे हैं अब सिर्फ 20 लोग और बेबी का बाबू यहाँ पे ढूंढते बंदे, और यहाँ पे आ गए जुट्टू की टीम। ऐसे बीच में घुसेंगे जुट्टू भाई तो हो जाएंगे ख़त्म, और ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो गए आज जो हरकत में टीम है वो है टीम एवेंजर्स। और देखना पड़ेगा यहाँ पे एवेंजर्स और अघोरी का, हमें यहाँ पे एक अच्छा बैटल देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छा एडवांटेज है यहाँ पे एवेंजर्स के पास, और अघोरी नीचे से आ रहे हैं, इनको पता नहीं कि ऊपर बिल्कुल बंदे यहाँ पे ताक लगा के बैठे हुए हैं। अभी आपको कवर में ही रहना होगा, लेकिन दोनों ही टीम अभी अपने जोन में हैं। और एक बार जल्दी से देखो तो बैटल गॉड्स की स्ट्रेटेजी हमेशा वही रहती है कि लास्ट जोन लास्ट जोन लास्ट जोन, और लास्ट जोन में ही लड़ेंगे। यहाँ पर रोनर भी अभी तक बचे हुए हैं और जोन से काफ़ी बाहर हैं, जोन में भी जाना पड़ेगा भाई, और गाड़ी तो है तो बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि कब जाएंगे, कब जोन स्टार्ट होगा पूरा एक प्लान के तहत। तो हम तबाही के यहाँ पे 2 किल हैं और ओपीएस फंक गाड़ी लेके कहीं पे अपनी जगह को सिक्योर करते हुए। तो हमारे पास 2 टीमें, यहाँ पे शहंशाह को पड़ गया है कार का शॉट, और शहंशाह हो गए हैं नॉक। और एक बार जल्दी से मैं अघोरी को देखूँ पोजीशन, तो एग्रीम पे उनका बिल्कुल निशाना लगा हुआ है, और वार विष्णु का भी अभी किल भी 0 है। लेकिन हाँ अच्छे काम ये है कि रिवाइव कर रहे हैं, और यहाँ पे लगता है कोई गाड़ी लेके इनके बिल्कुल क्लोज आ गया है। तो रोहन है यहाँ पे, तो रोहन क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा। शहनशाह के सामने रोहन है और ऊपर थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन शहनशाह को नोक किया रोहन ने, रोहन ने कंफर्म किया शहनशाह को। थर्ड पार्टी ऑलवेज गाइस इट हर्ट्स यू। और यहाँ पे देखना पड़ेगा वार विष्णु और अखंड घोरी। अघोरी को भी नोक कर दिया है रोहन ने, लेकिन वहाँ पे फर्नेस को नॉक किया है बैटल गॉड्स ने। तो थोड़ा सा यहाँ पे घोरियों का साथ दिया बैटल गॉड्स ने, और शायद अभी इनको रिवाइव होने का टाइम भी मिल सकता है घोरी को। और अखंड घोरी की लोकेशन, इनको बच के रहना पड़ेगा जब तक इनके बंदे रिवाइव होते हैं। और रोनर अभी रिवाइव कर लेंगे फर्नेस को कि नहीं वो देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ बिल्कुल अभी स्मोक भी किया है और रिवाइवल भी दे रहे हैं, तो बचाया है अपनी टीम को उन्होंने। और एक बार जल्दी से हम जाके देखें तो हम तबाही को देखें तो तबाही ने मारा है नेड, और किया है बाबू के सोनों को नोक किया है माफिया ने, माफिया काश भी नोक हो चुके हैं। लेकिन और यहाँ पे तबाही को थोड़ा अभी कवर लेने की ज़रूरत है, लेकिन देखना पड़ेगा वहाँ पे कि क्या हालात हैं। थोड़ा क्लोज से अगर हम ऊपर से हम थोड़ा देखें तो माफिया काश को रिवाइव बनता है यहाँ पे, क्योंकि उनका भी एक बंदा नोक पड़ा हुआ है। तो
ऊपर से भाई ओम भी चल रही है, तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपना सर बचाना पड़ेगा उससे भी। लेकिन फिर भी बाबू की सोना हो चुकी है रिवाइवर। वहाँ पे शशांक ने कर दिया वार विष्णु को नोक, और यहाँ पे मुझे लगता है कि टीम अघोरी का आज दिन। रोहन ने पूरा वेट किया, उनको पता था गाड़ी लेने आएंगे, गाड़ी लेने आएंगे, गाड़ी लेने आए और बच गए। लेकिन बचेंगे आप भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे वैनम का निशाना भी आप पे था ब्रो, और वैनम का निशाना आप पे था और वैनम ने लिया है किल। और अब बचते हैं सिर्फ फैमिलीज, वो मर जाएंगे जोन में, तो जोन में भी ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी हमारे बंदे का हमारी पूरी पूरी दो ही टीम्स रहती हैं यहाँ पर। बाबी की सोना ने किया है नोक वैनम को। आप लोग अभी 4v4 है, तो 4v3 यहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई। और एक बार मैं जल्दी से चलूँ शशांक पे, तो काफ़ी एडवांटेज दिख रहा है मेरे को यहाँ से टीम एवेंजर्स को, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा वो रिज का उनके पास एडवांटेज है, थोड़ा सा हाइट का एडवांटेज उनके पास है। तो देखने वाला जोन का भी काफ़ी, इनके पास सिर्फ 18 ही मीटर इससे अपने शशांक से दूर है, तो वो भी एक इशू नहीं होगा इनके लिए। और यहाँ पे अपने दो अपने टीममेट्स को कवर बनाने के लिए डालते हुए यहाँ पे स्मोक, और बैटल गोड्स की भी पूरी टीम यहाँ पे, पूरी टीम अभी तक जिंदा हो चुकी है, क्योंकि एक वैनम इनका रिवाइव नॉक हुआ था, तो लेकिन वो रिवाइव हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बीचों बीच गाड़ी रोकी है, और गाड़ी रोकी का मतलब है कि बनाएंगे कबर। और पाइथन ने क्या बाबू का बेबी के बाबू को नॉक किया है, और लेकिन अग्रिम ने भी कर दिया है वैनम को नॉक। तो यहाँ पे बिल्कुल टक्कर का मुकाबला दिखता हुआ भाई साहब। फिर से दोनों टीम रिवाइव हो जाएंगी और फिर से तैयार हो जाएंगे मुकाबले के लिए। और पाइथन को पड़ गया है भाई, पाइथन को पड़ गया है शॉट। लेकिन शशांक को भी इन्होंने नोक किया, तो गाइस यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे को कि बाबू की सोना देती हुई रिवाइव शशांक को। लेकिन और पड़ गया है भाई वाइपर का, यहाँ पे वाइपर बोलते ओपन द चैट गाइस वाइपर। स्ट्रीम ऑफलाइन क्यों दिख रहा है भाई, पता नहीं यार, स्ट्रीम तो चालू है भाई। लेकिन इसी के साथ बैटल गोड्स का ही रहा ये कस्टम, बैटल गोड्स वेल डन।